नमस्कार दोस्तों, आज है 20 जून। आज स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, गडकरी जल सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प और नौवहन मंत्री नितिन गडकरी इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018-28 पर एक सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। यह सम्मेलन 20 से 21 जून को तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में एकीकृत और टिकाऊ जल संसाधन प्रबंधन पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को बढ़ावा देना है। ब्राज़ील और भारत की फर्में बढ़त के लिए सबसे संवेदनशील हैं। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक खासकर ब्राज़ीलियाई और भारतीय फर्मों के मामले में ब्याज दर में 200 आधार अंकों की बढ़ोतरी से कॉरपोरेट ऋण में तेज कीमत बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि की है। RBI द्वारा भी ऐसा ही किया गया है। यह भी कहा गया है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं ऐसी ब्याज की वृद्धि से संरक्षित रहेंगी। केरल में योग राजदूत दौरा। 22 देशों के लगभग 60 योग प्रतिनिधि केरल के इडुक्की जिले में योग राजदूत दौरे में भाग लेंगे। यह दौरा आयुष मंत्रालय और केरल पर्यटन के सहयोग से एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन AWTOI द्वारा आयोजित किया जा रहा है और 21 जून को समाप्त होगा। दौरे का उद्घाटन आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपद येशो नाइक ने किया। गोवा और हवाई शिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी मिलने के बाद गोवा सरकार और हवाई राज्य सरकार एक शिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। इससे गोवा और हवाई के बीच सहयोग में वृद्धि होगी और इसमें व्यापार, पर्यटन, खेल, प्रौद्योगिकी, योग, कौशल विकास, कृषि और आयुर्वेद जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। यह मांडवी नदी परियोजना और जुवारी नदी पुल जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी बढ़ावा देगी। जून 2018 तक 121.4 करोड़ आधार कार्ड जारी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 जून 2018 तक लगभग 121.4 करोड़ आधार कार्ड तैयार किए गए हैं। IT और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी बताया कि 1.32 लाख करोड़ के मूल्य के साथ प्रत्येक वर्ष लगभग 22.5 करोड़ हैंडसेट का निर्माण किया जाता है। न्यू एज गवर्नेंस के एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन UMANG को भी 64 लाख बार डाउनलोड किया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। फोर्स की विश्वव्यापी सूची के मुताबिक अमेजन के संस्थापक और CEO जेफ बेजोस 141.9 बिलियन USD के शुद्ध मूल्य के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। बेजोस ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के प्रमुख संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ा, जो USD 92.9 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बेजोस की कंपनी अमेजन अब एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। 7वीं ओपेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 19 जून को ऑस्ट्रिया के वियना में एक विशेष अतिथि के रूप में 7वीं ओपेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेंगे। यह यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 से वैश्विक तेल की कीमतें सबसे तेज हैं और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। वह जर्मनी का दौरा करेंगे और योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। नेक्स्ट है 11वीं आम समीक्षा मिशन रिपोर्ट। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री अश्विन चौबे ने 11वीं आम सुरक्षा मिशन CRM रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश ने 2013 में से 167 मातृ मृत्यु दर MMR से 130% की कमी दर्ज की है। रिपोर्ट ने 2022 तक 150,000 HWC के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों HWC के रूप में उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और रूपांतरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट है डोपिंग विरोधी अंतर सरकारी बैठक। 15वीं वार्षिक एशिया और ओशिनिया क्षेत्र डोपिंग विरोधी अंतर सरकारी बैठक कोलंबो श्रीलंका में शुरू हुई। 2 दिवसीय बैठक विश्व डोपिंग विरोधी कोड के अनुपालन को निश्चित करने, समर्थन क्षमता निर्माण और एथलीटों को डोपिंग से रोकने के लिए शोध करने पर आधारित होगी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा WADA अपने अध्यक्ष सर क्रेग रीडी के शासी निकाय हैं। राष्ट्रपति ने अज्ञात सैनिक के स्मारक का दौरा किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी यात्रा के दौरान ग्रीस के एथेंस में अज्ञात सैनिक के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कब्रिस्तान को 74 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया है, जिन्होंने ग्रीस में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। उन्होंने ग्रीस के PM एलेक्सिस
इस प्रयास से मुलाकात की और दो देशों के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया। दिसंबर 2017 तिमाही में बैंक क्रेडिट 3.4% बढ़ा। दिसंबर 2017 तिमाही में बैंक क्रेडिट अनुक्रमिक आधार पर 3.4% बढ़ गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक गिरावट की दो लगातार तिमाहियों के बाद निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बेहतर प्रदर्शन और औद्योगिक ऋण में वृद्धि के कारण ऐसा हुआ है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2017 तिमाही के 77.95 ट्रिलियन रुपये की तुलना में दिसंबर तिमाही के अंत में क्रेडिट बैंक क्रेडिट 80.62 ट्रिलियन था। नेक्स्ट है IRDAI द्वारा विपणन फर्मों की समीक्षा है तो समिति स्थापित की गई है। IRDAI ने बीमा विपणन फर्मों से संबंधित नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है। समिति जिसमें 9 और सदस्य हैं की एक अध्यक्षता IRDAI के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर करेंगे। बीमा विपणन फर्मों का नया वितरण चैनल IRDAI द्वारा 2015 में एक क्षेत्रवार पंजीकरण दृष्टिकोण के माध्यम से देश में बीमा प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। नेक्स्ट है बाढ़ पूर्वानुमान के लिए सरकार और गूगल की साझेदारी हुई है। जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष तकनीकी संगठन केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ एक सहयोग समझौते में प्रवेश किया है। CWC जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और भूस्थापित मैपिंग के क्षेत्र में गूगल द्वारा की गई अत्याधुनिक प्रगति का उपयोग करेगा। यह जनता को बाढ़ से संबंधित जानकारी देगा। नेक्स्ट है 3 दिवसीय योग राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2018 का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में CIET में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में 3 दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया। यह NCERT के राष्ट्रीय ओलंपियाड का लगातार तीसरा वर्ष है और इस वर्ष 26 राज्यों और 4 RIE के लगभग 500 छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर 2 किताबें जॉय ऑफ थिएटर और संगीत प्रशिक्षण पैकेज जारी किए गए हैं। ड्यूटी पर अक्षम हुई सैनिकों का वर्ष। राष्ट्र की सेवा करते समय ड्यूटी पर अक्षम होने वाले सैनिकों का सम्मान करने के लिए और सैनिक की अनंत भावना का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना वर्ष 2018 को ड्यूटी पर अक्षम हुए सैनिकों के वर्ष के रूप में मना रही है। प्राथमिक लक्ष्य इन सैनिकों के कष्टों को कम करने की दिशा में है। इस वर्ष का उद्देश्य अक्षम नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई संसद में योग दिवस मनाया गया है। सोमवार को पहली बार ऑस्ट्रेलियाई संसद में योग सत्र आयोजित किया गया था जिसमें संघीय विधायिका में 50 से अधिक व्यक्तियों ने विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया। यह 21 जून को योग के चौथे अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पहले आता है। सत्र के आयोजकों ने दावा किया है कि यह पहली बार था जब किसी भी संसद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। नारायण स्वामी ने पांडुचेरी के लिए राज्य दर्जे की मांग की। दिल्ली विधानसभा द्वारा पूर्ण राज्य के लिए प्रस्ताव पारित करने के बाद पांडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने भी अपने संघ शासित प्रदेश के लिए पूर्ण राज्य की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि पांडुचेरी दिल्ली के समान मुद्दों का सामना कर रहा है। CM ने कहा कि उपराज्यपाल किरण बेदी सरकारी परियोजना को खारिज या विलंबित कर शासन की प्रक्रिया को धीमा कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद निर्वाचित सरकार काम कर रही है। नेक्स्ट है ऑनलाइन ई गवर्नेंस के बाद से राज्यों को 10,000 करोड़ कर मिला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि केंद्र की ई गवर्नेंस पहल के तहत परिवहन मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP की शुरुआत के बाद से राज्यों ने कर के रूप में 10,000 करोड़ रुपए एकत्रित कर लिए हैं। ये कहा गया है कि राष्ट्रीय रजिस्टर के तहत 19 करोड़ से अधिक वाहन और 10 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस जोड़े गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन 50 लाख से अधिक राष्ट्रीय परमिट भी जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है 2020 तक दिल्ली में भूजल समाप्त हो जाएगा। दिल्ली और बेंगलुरु समेत कम से कम 21 प्रमुख भारतीय शहरों में 2020 तक भूजल समाप्त होने की उम्मीद है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक यह 100 मिलियन लोगों को प्रभावित करेगा। इसमें आगे कहा गया है कि 2030 तक 40% भारतीय आबादी के पास पीने के पानी तक कोई पहुंच नहीं होगी और संकट के कारण भारत 2050 तक 6% GDP खो देगा। नेक्स्ट है WB ने बांग्लादेश के लिए 700 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की सभी के लिए शिक्षा की परियोजना प्राप्त करने में सहायता के लिए प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के लिए इसे 700 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। सभी के लिए गुणवत्ता वाली शिक्षा कार्यक्रम QLEAP में पूर्व प्राथमिक स्तर से 5वीं कक्षा तक पढ़ रहे 18 मिलियन से अधिक बच्चे शामिल होंगे। ये सरकार के चौथे प्राथमिक शिक्षा विकास कार्यक्रम PDP4 के कार्यान्वयन को भी वित्त पोषित करेगा। तो दोस्तों कैसा लगी आज का वीडियो,
ज़रूर बताइएगा, लाइक करके और कमेंट भी करिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आपको डेली मिलता रहे। थैंक यू।